डॉक्टर की व्यवस्था है और ये मतलब नहीं कहीं कुछ कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे है फिलहाल। अभी जो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, देख लीजिए सभी लोग इकट्ठा हैं बेचारे, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जो है समय काट रहे हैं, नदी के घटाव का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया मार चुका, गोरु चौवा सब मार जाता है, अब का कहल जाए। हमने के तो गांव डूबत बा, वहां पर ओ जा हमत कथो झरी जात है या सजी पानी जात। हमने के गांव में डूबत तो धान पकल धान, हमने के जात 4 साल से हमने के धान उखना हो सब घर में खायल पियल है एकदम शांत। आना तो बिजली आवाज चेक माने तनिया जो जो कर की रहना सांप है बिच्छू है तमाम है, लोग परेशान है यहाँ के लोग। देखिए इधर तमाशा, सब्जी जानवर इधर आकर बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, अभी मैं आजमगढ़ जनपद में हूँ और आजमगढ़ जनपद के घाघरा नदी के तटवर्ती इलाके में। आप लोग को पता है कि यहाँ पे बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, उससे कई गांव प्रभावित हैं। देवारा क्षेत्र का पूरा गांव डूबा हुआ है, सब लोग ये देख रहे हैं अपने पशु को लेकर सड़कों पर आए हुए हैं। ये अपना पशु यहाँ से वहाँ तक लगभग 50 से 100 के शायद संख्या में होंगे पशु, और सभी लोग पशु को अपने बांध के यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था आएगी। लेकिन कुछ व्यवस्था मिल रही है, कुछ व्यवस्था नहीं मिल रही है। बाकी क्या क्या इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ का इन्होंने सामना किया या नहीं किया, वो सारी बातें जानेंगे। चाचा जी का नाम है, स्वागत है। उनका बात कर रहे हैं, आपका क्या नाम बताओ? तूफानी नाम बताओ निका। अच्छा, आपका जीवन लगभग हमको लगता 70-80 साल उम्र हुई, ऐसा बाढ़ अभी आप तक देख रहे हैं? यहाँ तक बाढ़ का पानी ना आ ना ही। ऐसे पहले कब देख लेता लोकल जी? 98 बाढ़ में आए, लगभग ऐसे कम रहा। कम रहा वो उस समय? बहुत काफी दिक्कत है ना? हाँ बहुत कम। हमान के एक बात है, खोर जो है एक मिनट इतना ऊपर आ जा और कंची बंधा बन जा माटोली तक ले, मन सब विपद दूर। आइए, क्या नाम है सर? गुलाब चंद यादव। बताइए क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? भाई हमें आके नहीं है। अच्छा, हाँ देखने के लिए आए। देखने के लिए आए? हाँ। कि ये लोग कितनी मुसीबत झेल रहे हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, देखने के बाद क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है ना? भाई तकलीफ तो दिख ही रहा है ना, सामने दिख रही है तकलीफ, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए अपना घर, इनका घर डूब गया है और पूरे पशु और बाल बच्चों के साथ बाहर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? राम बचन यादव, प्रधान भूतपुर टेकनपुर। इसी गाँव? हाँ इसी जगह की। अभी क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। आए जो सिंचाई विभाग है, करीब 15-20 साल से कोई मरम्मत, इस बंदे का मरम्मत नहीं हुआ है आज तक। पेपर में मरम्मत होता है, पेपर में सुविधा दिखाई जाती है, लेकिन किसी जनता से पूछ लीजिए कि इस बंदे का मरम्मत आज तक नहीं हुआ। हाँ, सबसे दिक्कत बीमारी ये है शासन प्रशासन का। मीडिया भी लिख देती है कि सारा व्यवस्था हो गया है बाढ़ का, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बाढ़ का है। यहाँ तक कि यहाँ इस गांव के आने जाने के लिए नाव का भी व्यवस्था नहीं हो पाया। और तो नाव का भी व्यवस्था नहीं हो गया, एक नाव लगी थी वो भी खींचकर चली गई। हाँ, तो बहुत काफ़ी दिक्कत, जो लोग फंसे होंगे और आने जाने, सांप है बिच्छू है तमाम है, लोग परेशान हैं यहाँ के लोग। देखिए इधर तमाशा, सब्जी जानवर इधर आकर बैठे हुए हैं। हाँ, सभी लोग खाना भी बनाने में और पशुओं के लिए चारा, खाना का भी, लंगर का भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ, पेपर में व्यवस्था हो रहा है खाली। हाँ, खाने के लिए व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा है, पेपर में व्यवस्था हो रहा है। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये जो बंधे पे जो भाव हो रहा है ये हमारे सामने, और आप भी देख रहे हैं कि मिट्टी उट्टी डाली जा रही है इस पे, ये क्या है? ये है 20 साल से इसका मरम्मत नहीं हुआ, बाढ़ के पानी से सब खरोह मार दिया है, सब खोखर हो गया है, इसलिए रिसाव हो रहा है। ये पूरे अभी लोग बांध रहे हैं, जो बंदा बांध रहा है, माटी गिर रही है, पूरा खोखर है। उधर से जब पानी बाढ़ आती है तो पूर्वा बया बहती है तो धारा चलती है ना, लहर चलती है, लहर से पूरा माटी धोआ जाती है, खंडहर हो जाता है। तो इसलिए वहाँ कोई मरम्मत तो हुआ नहीं, इसीलिए रिसाव हो रहा है, फूटने की डर है। इस समय लोग जागे हैं लूटने के लिए। देखिए ये स्थिति है मौके पर, और अब जो बाढ़ का कहर जब आ गया है तब मिट्टी डाली जा रही है। सामने आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्टर से ये रात दिन लगे हुए हैं, अब जाके मिट्टी डाल रहे हैं, और यही काम पहले हो गया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम अस्त्रे है। इसी गांव के? हाँ जी। आपका भी घर डूब गया है? मेरा घर डूब गया, पूरा पस्त है मेरा घर। अच्छा, तो आपके पशु सुबह बाहर बाहर बैठे हैं इधर रोड पर निकाले? कब आप लोग आए हैं? परसों का आए हैं।
तो अभी इन पशुओं के लिए चारा वारा की व्यवस्था? चारा की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, अपना हल कर पानी में भूसा वूसा निकाल कर इसे खिला रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, कल प्रधान की तरफ से मिला था। आइए देखिए, ये पशु हैं इन लोगों के, और पशुओं को बांध के अब बताइए कि कहाँ से ये पूरा जलमग्न हो गया है। जो इनका खेत खलियान है, जो इनका चारा था, वो डूब चुका है। तो इन पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी तक चारा का व्यवस्था नहीं हो पाया। अगर समय से चारा आ जाता तो बताइए। देखिए इधर इनके जो खाने वाला जो बर्तन नाद वो किसी तरह इसी तरह फेंके हुए हैं, और लगभग 50 से 100 पशु यहाँ पे बैठे बांधे गए हैं। और यहाँ पे इसके अलावा कहीं हमारे नज़र में नहीं आ रहा कि बाढ़ कैंप लगा है, जो कि इन गांव के लिए डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, और इन गांव के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए, और गांव के लिए जो भी समस्या हो ताकि तत्काल मौके पर मिले। ये कुछ भी नहीं हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और आप लोग भी देख रहे हैं, ये सभी लोग परेशान हैं, और कहीं बाढ़ राहत सेवा शिविर कहीं नहीं बना है। इतने घर में पानी ठेगुन भर लगा है, सब घर में खायल पियल है एकदम, आने तो बिजली आवाज चेक मैंने तनिया जो लोग जगह कर कि रहना मतलब उत्सु हो न आए पा हूँ है। अब क्या कहे साहब, क्या बात कही? अच्छा अभी बाढ़ कैंप भी ना लगल इधर कहीं, इतना आप कई दिन से बैठे यहाँ कुछ व्यवस्था ना मिलल? अभी कौनो व्यवस्था ना मिलल है, दोनों आधे आदमी के। अच्छा कल मरोनो कल बटल मतलब पूरी सब्जी कल बटल? हाँ कल बटल सा जवा कर। हाँ खैले बिना दुनिया मारत बा, गोरु चौवा सभे मार जात है, अब का कहल जा? हमने के त गांव डूबत बा, वहां पर ओ जे हमत कथो झरी जात है, सजी पानी जात। हमने के गांव में डूबत धान पकल धान, हमने के जात 4 साल से हमने के धान उख ना होत है कुछ। मुआवजा तो मिलत हुई असो भाई बो कहले त कुछ ना मिलला, हमने कुछ मिलवा ना कराला, उ राशन जौन मिल जा। अब तो बाढ़ अब लगा थे घटाव पे समय घटाव डूब जाए तो चली जाए। हाँ वो तो पनिया धान कितना आला लेकिन डूबत है अब पकल रहा है। देखिए ये बाढ़ 1998 में जो बाढ़ आई थी उससे भयानक स्थिति इस बार की है, और ये लोग अभी कह रहे हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। थोड़ा बहुत जो एक भुलवाने के लिए इन लोग को दिया जाता है वही बस मिला है। पशुओं के लिए अभी चारा भी का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। और भी सर, क्या नाम है सर आपका? हाँ मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ पे पानी होने की व्यवस्था और भोजन पानी करवाई, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा सर ये बताइए कि बाढ़ ये हमें लग रहा है कि इस गांव में पानी 2 दिन पहले का? हाँ 2-3 दिन पहले से पानी भरा हुआ है, बांध की स्थिति जर्जर अवस्था में है और भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि रात में लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। पशुओं के लिए समस्या है पानी की, सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो मलेरिया टाइफाइड दुनिया भर की समस्या होने की संभावना है। तत्काल सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था कराई जाए, पानी की और भोजन की व्यवस्था कराई जाए यहाँ पे फिलहाल, ठीक है? और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कराई जाए यहाँ पे कायदे से, जो है सब डूबा हुआ चारों तरफ से जलमग्न हो गया है, इससे बहुत समस्याएँ आ रही हैं। और बिजली पानी की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि बिजली काट दी गई है जिससे कि महिलाओं को घर में सांप बिच्छू गोचर सब घुस रहे हैं, उनसे काफ़ी समस्या क्रिएट हो रही है, जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था कराई जाए। अच्छा यहाँ पे कई दिनों से ये लोग सड़कों पे हैं, और डॉक्टर की व्यवस्था है, और ये मतलब नहीं कहीं कुछ कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे है फिलहाल। अभी जो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, देख लीजिए सभी लोग इकट्ठा हैं बेचारे, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जो है समय काट रहे हैं, नदी के घटाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक कोई कायदे की व्यवस्था नहीं दिख रही। शाम को SDM साहब आए हुए थे, कुछ बोल के गए हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है कुछ जो है मौके पर जी। ये स्थिति है बहुत से बाढ़ पीड़ितों के लिए, आप देखे होंगे कई जगह का कि जो बाढ़ पीड़ित होते हैं, जिनका गांव डूब जाता है, उनके जहां शरण लेने के लिए व्यवस्था होती है कहीं विद्यालय में या फिर सड़क पर, तो वहां पे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, वहां पे कर्मचारी रहते हैं, पुलिस चौकी बना दी जाती है, पुलिस रहते हैं, इसके बाद डॉक्टर रहते हैं, और जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी होते हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, वो सब लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, ताकि ये जो सड़क पर जो आके रह रहे हैं इनको कोई दिक्कत हो तो तुरंत उनको जो है उस सुविधा से उस सुविधा को दिया जाए, और अगर तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तुरंत दवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही है, थोड़ा बहुत कुछ व्यवस्था मिल रहा है और कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों हम हैं आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के, ये कौन सा गाँव है? टेकनपुर। टेकनपुर
बरामदपुर टेकनपुर गांव में, और ये गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और यहां गांव के लोग इधर देख रहे हैं सड़कों पर अपने पशु अपने परिवार के साथ निवास किए हुए हैं। तो इसी जगह मैं पहुंचा था, आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि प्रशासन के कानों तक ये बात जाए और इनके लिए जो भी उचित व्यवस्था है वो जल्द से जल्द मुहैया कराए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।